अस्सलाम वालेकुम, मैं तुम दिलदार अली सोलंगी ते मालूम अचने लाइ यूट्यूब चैनल से वीडियो ठाए रो तुधायण लाकिस्तान जो पहो पहो आइन ठा वो उनके मुताबिक तालूम दी शायद इनकी तक का खबर न हो हिंसर जो आइन हलो पो वे जो जुल्म पे गरीबन जो रत चूसो पो वे ये नाल हुकुमरान अगे पे अचन जैसे वो आइन ठा वो तो उनमें पच कौमू मुतमिन थियं पाकिस्तान का को भी का भी कौम माना बागी न हुई सब मुतमिन हुआ वो आइन इन हो मुतमिन थी हुई उनमें आइन ठा वो कौम मुतमिन हुई वो आइन इन तरीके हुए तो पंजन सूबन के खुद मुख्तियारी उनमें वफाक हुई वफाक के सिर्फ टे गाल हुई परदे वजारत सरहद संभालण और वफाक के बाहर मुल्क लेन देन कर जो बाकी उन सूबन में को भी दखल अंदाजी कर जो हक न हो जो हिंसर वफाक बिल्कुल 100% हक रखी वेठी है सूबन में हर गाल में वो आज इन ठा तो जैसे इंडिया का हिजरत कर आयल महाजर बाहर जो भी उन्दा 10 लख तो उ लख कर हर एक सूबे के दिना वा बल्कि उन् न वो उ 10 लख ही मू सिंध में आबाद कया उन यो हो सूबे में का मुसीबत थी अचे को तूफान तो अचे बारिश थी अचे सैलाब तो अचे तो उत मू बेघर थी वन तो उन्होंने बे सूबे में वन वीजा ठहराण पव उन जैसे उन सूबे जो निज़ाम सही थी तो सूरत हाल सही थी तो वरी उन वापसी वनो पव बे सूबे वाले के उन सूबे में परापति ठाण जो को भी हक न हो अड़ा सब आइन ठाया वो कौमू मुतमिन थी जैमें बंगाली हुआ बर्मी बंगाली हुआ सिंधी हुआ पंजाबी हुआ पख्तून हो बलोच हो सब मुतमिन हुआ तो कन इन आइन की खिलाफ वर्दी कई कन क्या भी त उन में पंजाबी कौम जहा ही अहम किरदार अदा कर वही तो उन आइन के टोड़ो पंजाबी महाजरन जो नालो इस्तेमाल कर सिंध में भरपूर नमूने का कब्जा कर लगा अज सिंधी मानन जो वो आला है तो वो पैंजे सिंध में पैंजे वतन में किराए ते घर रखने के लिए भी लाचार आन उन किराए ते नो रख वे और धारिया मानू जो परापत ठाई वेठाइन उ सिंधी सिंध के राशन के सिंधन के भी मकान जन लाइ किराए तैयार ना पो उन कौम यो आइन ट्रोड़े हर गाल करे पैजा आइन हथराद उठाए छा जै त अमरीका एक वो शरारती मुल्क हो जै टे शरारती मुल्क हो जै इस्लामी मुल्क जहाँ टे वे में वा सरबराह मराया पाकिस्तान जो जैड ए भुट्टो जुल्फकार अली भुट्टो सऊदीया जो किंग फैसल अफगानिस्तान जो सरदार दाऊद इन जल्दी जल्दी मारण में अमरीका जो 100% हक हो हथ हो छो तो अमरीका उन्होंने इन के कर मारा छो तो वो इस्लामी काउंसिल अलग ठाने के इकदार में मशगूल हुआ उन्होंने यो ही नजरियो तो मुसलमान के पैं पेर से बीहारणो आ मुसलमान जो सजो नजरियो मुसलमान जो इकदार हर गाल उन अलग करनी अंग्रेजन के गुलामी का निजात जानी तो उन्होंने सिर्फ अमरीका न बल्कि उन्होंने सफीर पैं वजीर भी मारा उन अमरीका की मदद कई उन्होंने मारे वो गरीबन जो आवाज़ जन उथारो उन्होंने आवाज़ दबाया हो उन्होंने केंगे फांसी से चाढ़ो केंगे कड़े तरीके मारे हो बहरहाल उन कत्ल किया वो उन आवाम के बाकायदे इत हुकुमरान इत वजीर इत हाकम सब निपुण लगा वेचार उनो हाल रो दोस्तों ये टे बादशाह जो मुसलमान मुल्क जहाँ मारा तो उन आम तारीख बुधाईंदा हलूँ तो सिंध को माना अज पाकिस्तान के ठहण के वजूद का पे सूबो न ठो पर सिंध सदियों का जी 5000 साल पुरानी बोली ाली थी वे सिंध सदबी थी अचे उन सिंध के जुल्फकार अली भुट्टो के लिए सिर्फ सोग सिंध में न हो पाकिस्तान में न हो बल्कि इंडिया असो पाड़ेसरी वायर मुल्क है जिते नाले आयो बाजार मुंबई जड़ो शहर बंद रो भुट्टो के सोग में उन हल्दा अचो तो भुट्टो को सियासी मानू हुयो पर उनके जैसे खानदानी सियासतदान वे तब थी तो सके छो तो जुल्फकार अली भुट्टे जो वाल साहब जो सर शाहनवाज भुट्टो साहब उन 1934 में एक तहरीक ठाई तहरीक हलई जै टेम में सिंध बम्बई गड हुआ जैमें बम्बई जो पुरानो नालो हिंदू हुयो
सिंधु के सिंधी सजो वो पर हो भाई गड हुआ अतारी का शुरू थी 1934 में हली हली 1938 तीन सिंधु के बंबई का अलग किया तो भुट्टो खानदान जो सिंधी आवाम लाए सिंध के धरती के लिए पाकिस्तान के आवाम के लिए वजे में वजू कुर्बानी क्यों सारा जोगियों जो जिक्र वे वो घट है पर उन खानदान के इं इत कतल किया जन मुल्क में उन्होंने कतल किया वे तो मुझे अफसोस न थे।